हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। हम एक से दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज हमारा पार्ट वन है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, हम थर्मोडायनेमिक्स पे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। ये न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ है। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसी से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने कहा बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे, जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज भी डिस्कस करते जाएंगे, बट अभी इस तरह से करते हैं कि तकरीबन आपके जो जो भी मेन मेन टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन में है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। एक पिस्टन सिलेंडर वाला डिवाइस है, उसमें जो इनिशियली बात किया गया है, इनिशियली वहाँ पे एयर कितनी है, इनिशियली जो वॉल्यूम वहाँ पर गिवन है एयर की, वह है 0.4 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 0.4 मीटर क्यूब। उसके बाद कहा गया है प्रेशर गिवन है एट 100 किलो पास्कल। स्टार्टिंग में कहा गया कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो 0.4 मीटर क्यूब है और प्रेशर कितना था, 100 किलो पास्कल। साथ ही साथ टेम्परेचर भी गिवन है आपको 80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या कहा गया है, दी एयर इज नाउ आइसोथर्मली कंप्रेस टू 0.1 मीटर क्यूब। अब एयर को कंप्रेस किया गया, एयर को कंप्रेस किया गया और अब वॉल्यूम कितनी है, अब वॉल्यूम है 0.1 मीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम थी, इनिशियल जो वॉल्यूम थी 0.4 मीटर क्यूब, और अब कंप्रेस करने के बाद जो वॉल्यूम है वो है 0.1 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया, वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस। अब इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वो आपको बताना है, किलो जूल में बताना है, केजे किलो जूल में आपको बताना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, एक तो कई बार आपको कई सारी चीज़ें टर्म्स गिवन होती हैं तो वहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये टेम्परेचर को कहाँ यूज़ करना है, प्रेशर को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो आपको क्वेश्चन का पता आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, सही से नहीं पता आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक जगह ये लिख देना है आपको गिवन क्या गया है, क्योंकि जब आपको गिवन पता लगता है फिर आपको फॉर्मूलाज याद आते हैं कि यहाँ पे यार प्रेशर भी है टेम्परेचर भी है, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है, जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया था इनिशियली जो है वो वॉल्यूम है 0.4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर ज़रूरी है वो हम बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बिना डायग्राम के भी हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमको वॉल्यूम गिवन है 0.4 मीटर क्यूब, तो मैं यहाँ पे V1 लिख सकता हूँ, V1 है हमारे पास 0.4 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया, ये हमारे पास V1 वॉल्यूम थी, इनिशियल वॉल्यूम, और साथ ही साथ प्रेशर भी गिवन था। तब प्रेशर कितना गिवन था, मैं P1 लिख सकता हूँ, P1 हमें गिवन था 100 किलो पास्कल। ठीक है, P1 हमें गिवन था 100 किलो पास्कल, मैंने प्रेशर भी लिख दिया। और टेम्परेचर T1 में लिख सकता हूँ, यहाँ पे T1 में लिख सकता हूँ, यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हमें गिवन है। क्लियर हो गया। उसके बाद और हमें क्या गिवन है, उसके बाद कहा था कि एयर को आइसोथर्मली, यहाँ पे प्रोसेस याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है। और अब वॉल्यूम जो लास्ट में V2 था हमारे पास, सेकंड वॉल्यूम, वो कितनी थी, 0.1 मीटर क्यूब। क्लियर है, और कुछ हमें यहाँ पर गिवन है, और हमें कुछ भी यहाँ पर गिवन नहीं है। हमसे पूछा गया बताओ वर्क डन कितना होगा किलो जूल में, किलो जूल में कितना वर्क डन हमारे पास होगा ये हमको बताना है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो कहा गया था कि एयर इज नाउ आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, एयर को आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया था। क्लियर हो गया। अब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, हमें वर्क डन के फॉर, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पे कोई वो है नहीं, यहाँ पे कहा गया था कि वर्क डन बताना है। हम एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं, आइसोबैरिक है, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, पॉलीट्रॉपिक हो, मैंने आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताया था, डिराइव करके बताया था फॉर्मूलेज कि आइसोबैरिक के केस में वर्क डन कितना होगा, आइसोथर्मल के केस में कितना होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस कहा गया था ना कि एयर को आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और सिंपल यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है। और आइसोथर्मल के केस में वर्क डन के अगर हम फॉर्मूले की बात करें, हमने क्या डिस्कस किया था, P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। इसी तरीके से कई और टर्म्स में मैं, या टेम्परेचर के टर्म्स में मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले को, MRT वाला जो फॉर्मूला था, यहाँ पे P1 V1 की जगह हम MRT लगा देंगे। ठीक है, तो कई सारे तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया आइसोथर्मल के केस में, क्योंकि मेरे पास P1 भी है, मेरे पास V1 भी है, तो इस फॉर्मूले को सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं हमें पड़ी। देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जब आपको ये भी पता लग जाता है
कि यार प्रेशर ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना, वैल्यूज़ को अपने समय पे सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स का, क्या यूनिट्स हम सारे सेम लेके चल रहे हैं। अगर एक यूनिट किलो जूल में, तो मैं सभी को किलो जूल में लेके चलूंगा। अगर एक जूल में, सभी को जूल में लेके चलूंगा। अगर एक मीटर है तो सभी को मीटर में लेके चलूंगा। एक सेंटीमीटर है तो सभी को सेंटीमीटर में लेकर चलूंगा। क्योंकि अगर आपका यहाँ तक आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला मैंने देख लिया कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लग रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने में गलती कर देते हो, यहाँ पे आप ध्यान नहीं देते यूनिट्स का कि यूनिट यहाँ पर कौन सी गिवन है, यहाँ पे क्या यूनिट गिवन है, यहाँ पे क्या यूनिट गिवन है, और जो वैल्यू आपको गिवन है उसको एज इट इज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हो, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, मैं बड़े हाई लेवल के एग्जामिनेशन की बात करूँगा, छोटे लेवल में तो इतना डीप में पूछा नहीं जाता। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करना हमें, ठीक है, हमें डब्ल्यू कैलकुलेट करना ना, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, पी वन, पी वन की जगह मैं लिख लेता हूँ 100। अब यहाँ पर देखो ये किलो पास्कल है ना, किलो पास्कल, तो यहाँ पे आपसे जो वर्क डन है वो भी किलो जूल में पूछा गया है, वो भी आपसे किलो जूल में पूछा गया है ना, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हमारे पास। अगर यहाँ पे वर्क डन आपको कहा होता कि वर्क डन हमें सिर्फ जूल में बताओ, वर्क डन हमें जूल में बताना है, तो हम इसको किलो पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? क्योंकि जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर, तो ये पास्कल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर सिर्फ पास्कल यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे पूछा होता कि जूल में बताओ, तो हम यहाँ पे इसको पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे किलो जूल है तो हम इसको भी किलो पास्कल ही रहने देते हैं। क्लियर हो गया? तो बाकी अगर हम पी वन हमने लिख दिया, वी वन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मीटर मीटर तो यूज़ हो ही रहा है, तो वॉल्यूम को मीटर में रहने देते हैं। 100 × 0.4 एच ओ लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन, वी टू हमारे पास कितना है 0.1 और वी वन हमारे पास कितना है 0.4। क्लियर हो गया? डिवाइड में तो कोई वो है नहीं कि आपके यूनिट कौन से, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहती है। क्लियर हो गया? अब सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है। अगर इसको हम सॉल्व करें कैलसी की हेल्प से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, वो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आपको कैलसी में प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, तो हम सिंपल दो पार्ट्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले हम ये वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये लॉग वाली टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कर दिया मैंने ब्रैकेट 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसी को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। ये जब हमने किया तो हमारे पास -55.45, यानी कि वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, -55.45 किलो जूल। क्लियर हो गया? नेगेटिव वर्क आ गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव वर्क हमारे पास आया है, -55.45 किलो जूल आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसे एक बार देखो, अगर ये कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते एक बार ट्राई करना जरूर, उसके बाद वीडियो को देखना, क्वेश्चन में सॉल्व करवाने जा रहा हूँ ये वाला। चलिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, गिवन आपको अ स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ 0.3 मीटर क्यूब एंड 0.105 मेगा पास्कल टू अ फाइनल स्टेट ऑफ, चलो हम पढ़ लेते, समझ लेते क्या यहाँ पे कहा गया है। एक स्टेशनरी मास है, गैस है, उसका मास जो आप कह सकते हो कांस्टेंट है, उसे क्या क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। उस गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं बिना फ्रिक्शन के, उस गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। इनिशियल कंडीशंस गिवन है, जो इनिशियल जो वॉल्यूम था, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था गैस का, वो था 0.3 मीटर क्यूब और प्रेशर कितना था 0.105 मेगा पास्कल। यानी कि इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है कि गैस को कंप्रेस कर रहे हैं हम, उससे पहले उसका हमें वॉल्यूम बता दें, कितना वॉल्यूम है गैस का, इतने प्रेशर में गैस है, अब हम उसे कंप्रेस करने जा रहे हैं। जब हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं तो फाइनल जो हमें स्टेट मिली, वहाँ पे जो हमें वॉल्यूम मिला 0.15 मीटर क्यूब, कंप्रेस कर रहे हैं वॉल्यूम कम हो गया 0.15 मीटर क्यूब हो गया, और प्रेशर वैसा का वैसा ही है 0.105 मेगा पास्कल। इसका मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट था, और वही आगे स्टेटमेंट में लिखा भी है, द प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। आगे चल लेते हैं, कहा गया है देर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ 37.6 किलो जूल, देर इज़ अ ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर के बारे में भी गिवन है कि हीट ट्रांसफर जो है वो कितना है, 37.6 किलो जूल हीट ट्रांसफर हो रहा है। हाउ मच डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज, कि इंटरनल एनर्जी जो है गैस की वो कितनी चेंज होने जा रही है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा गया गैस की, कि वो कितनी चेंज हुई। अब यहाँ पर देखो, पहले हम वही काम कर लेते हैं, पर गिवन कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको समझ आए उसका, अपने क्वेश्चन देख के आपको समझ आए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर भी हम यहाँ पे गिवन लेके चलते हैं। गिवन हमें यहाँ पे क्या गया, गिवन हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है कि स्टेशनरी मास, इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है, यानी कि प्रेशर, सॉरी प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है ना, प्रेशर तो सेम ही रहेगा, हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वी वन हमारे पास यहाँ पे कितना है, वी वन की बात करें अगर हम, तो वी वन है हमारे पास 0.3 मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। आगे चल लेते हैं, प्रेशर हमारे पास सेम ही रहेगा, पी वन बोलो चाहे पी टू बोलो, तो
तो प्रेशर हमारे पास कितना रह रहा है यहाँ पे, 0.105, 0.105 मेगा पास्कल, ये हमारे पास प्रेशर आ गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनल कंडीशन की, वी टू की बात कर लेते हैं। वी टू हमारे पास 0.15 मीटर क्यूब, क्लियर हो गया, वी टू भी हो गया। उसके बाद हमें और क्या गिवन है, प्रेशर तो कांस्टेंट था, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस हो गया, और हीट ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। अगर फिर से यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है ना, तो यहाँ पर अगर आपको कहा होता कि वर्क डन निकालो, तो हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ उसके बारे में भी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है क्यों, जो हमारे पास 37.6 किलो जूल, 37.6 किलो जूल। अब यहाँ पे देखो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि पीछे मैंने माइनस लगा दिया, क्यों माइनस 37.6 किलो जूल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ, हीट रिजेक्ट हो रही है वहाँ से, हीट रिजेक्ट हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो हीट रिजेक्ट हो रही है सिस्टम की, वो -37.6 किलो जूल लिख दिया मैंने। हमने पढ़ा ना साइन कन्वेंशन के बारे में कि हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, तो मैंने -37.6 कर दिया इसको, ठीक है। आगे चल लेते हैं और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में, पूछा गया कि हाउ डज दी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस चेंज, ठीक है। डेल यू हम लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमसे पूछा गया ना, डेल यू किसके बराबर होगा, हमसे ये पूछा गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ वाला काम आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हमें क्या पता है इसके बारे में, देखो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, हम ये कर सकते हैं, क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, पूरा डिटेल में समझाया, डेरिवेशन के साथ समझाया, प्ले लिस्ट इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स लिए वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको कुछ पे अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाओ, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा अगर अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू तो है हमारे पास, ये मतलब चेंज के बारे में है ना, हीट ट्रांसफर के बारे में पूछा गया, डेल क्यू तो हमारे पास है, लेकिन हमें पूछा गया है डेल यू के बारे में, डेल यू तो हमें हमें बताना है, डेल डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। डेल डब्ल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी, डेल डब्ल्यू फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, वो क्या है कि हमें पता है कि हमने वही, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वहाँ पे डेल डब्ल्यू हमने देखा देखा आइसोथर्मल के केस में, वैसे वर्क डन अगर हम निकालें, डेल डब्ल्यू अगर हम निकालें किस केस में, यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस चल रहा है ना, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट था, तो वहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है पी इंटू वी टू माइनस वी वन, सिंपल, ये हम सब कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ से डेल डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता लग जाएगा, तो जो वर्क ट्रांसफर होगा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, पी हमें गिवन है 0.105। अब यहाँ पर देखो वैल्यूज देख लेते हैं एक बार, हमें यहाँ पे तो कहा नहीं कि किस में निकालना है, किलो जूल में निकालना है या किस में निकालना है, हमें काम कर लेते हैं सब किलो जूल में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किलो जूल था, ये भी हम किलो जूल में निकाल देंगे, हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं किलो जूल में, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, मेगा पास्कल है ना, हम इसे किलो पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, 0.105, 0.105 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 कर लेते हैं, तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको 10 की पावर 6 से कर लेता तो सिंपल पास्कल में कन्वर्ट हो जाता। इंटू वी टू माइनस वी वन, वी टू हमारे पास कितना है 0.1, 0.15, और वी वन हमारे पास कितना है 0.3, वी वन हमारे पास 0.3, क्लियर हो गया। अब इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं डब्ल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, एलसीक्यूएल से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड, ये देखो ये हम करना, हमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0.15 माइनस 0.3, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, ये आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 0.105, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 10 रेज टू द पावर 3 से, तो ये हमारे पास आ गया -15.75, दिख रहा है आपको यहाँ पे -15.75, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास आ गया डेल डब्ल्यू की वैल्यू, हमारे पास आ गई -15.75, -15.75, ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, डब्ल्यू का लिख देते हैं -15.75, इतना क्लियर हो गया। अब सब कुछ सब्स्टिट्यूट ही करना, बाकी सब कुछ तो हो ही गया ना हमारे पास यहाँ पे। डेल क्यू हमारे पास कितना गिवन था, -37.6 किलो जूल, यह हमें निकालना है, और इसकी बात करें डेल डब्ल्यू की बात करें तो -15.75 आ गया, क्लियर हो गया। अब हमें ये सब ये निकालना है ना, डी यू किसके बराबर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज निकाला इंटरनल एनर्जी में, वो किसके बराबर हो जाएगा -37.6, ये क्या हो जाएगा -37.6 + 15.75 इसके बराबर हो जाएगा,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी या डेल्यू लिख दो, इसको जो मर्जी लिख दो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -21.85 किलो जूल। क्लियर हो गया? अब आपको किसी भी तरह का डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया चाहे हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह से बाकी की वीडियोज़ भी आपके लिए लाता रहूँगा, बस आपको वीडियोज़ को शेयर करना। थैंक यू।